अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थोड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको लाइव लेक्चर्स दिए थे, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया हमने लाइव कवर की थी। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे जा रहे हैं, जो हमारे हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़े, फिर उसके बाद ग्राम पॉजिटिव रॉड्स पढ़े। अब हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स के ऊपर आ रहे हैं। हमें पता है ग्राम नेगेटिव रॉड्स की तीन तरह की क्लासिफिकेशन थी, मैंने आपको तीनों बताई थी। सबसे पहले वाले जो थे वो एंटारिक ट्रैक से रिलेटेड थे, जो एंटारिक ट्रैक को अफेक्ट करते थे, वो काफ़ी सारे थे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसमें एशेरिचिया कोलाई आता है। एशेरिचिया कोलाई नंबर वन कॉज है आपका यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं आपके, उनका नंबर वन कॉज कौन सा है, एशेरिचिया कोलाई। उसके बाद जो दूसरा हमने जिक्र किया था कि इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं, इसमें साल्मोनेला आता है, इसमें शिगेला आता है, इसमें विब्रियो आता है, इसमें बहुत सारे थे, प्रोटियस, सूडोमोनास, ठीक है, कंपाइलो बैक्टर, एंटीरो बैक्टर, ठीक है, ये सारे जो है ना आपके एंटेरिक ट्रैक से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद हमने जिक्र किया था कि इसमें रेस्पिरेटरी वाले भी होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, उसमें हमने हिमोफिलस वगैरह का पढ़ा था। उसके अलावा जूनॉटिक भी होते हैं, जिसमें ब्रुसेला, फ्रांसिसेला वगैरह आ जाते हैं, वो हम बाद में जिक्र करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बैक्टीरियाज जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट। अच्छा, एंटेरिक ट्रैक्ट में सबसे पहले आप जब जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, सबसे पहले आपको जो बैक्टीरिया नज़र आएगा वो होगा आपका एशेरिचिया कोलाई, ठीक है। अब एशेरिचिया कोलाई जो है ना, ये रहा आपका एशेरिचिया कोलाई, ठीक हो गया। अच्छा, एशेरिचिया कोलाई में ना सबसे पहले हमें पता है कि हम किसी भी बैक्टीरिया को जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसकी मेन डिजीज़ देखते हैं कि वो डिजीज़ कौन कौन सी करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले डिजीज़ उसकी देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, हमने देखना है उसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये डिजीज़ होगी, देन हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन हम पैथोजेनेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ देखनी है, वायरुलेंस फैक्टर देखने हैं, उसके बाद उसका डिजीज़ कॉजिंग मैकेनिज्म देखना है, उसके बाद हमने उसके देखने क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या क्या हैं, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद हमने और क्या चीज़ देखनी होती है, हमने और चीज़ देखनी होती है जिसको हम कहते हैं उसकी लैब डायग्नोसिस। उसके बाद ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, हम फार्मा में पढ़ लेते हैं, ठीक है, फार्मा में हमने ट्रीटमेंट पढ़ना है। अच्छा, अभी हमने जो है ना डिस्कस करनी है चीज़ें, वो हैं हमारे एशेरिचिया कोलाई की डिजीज़। सबसे पहले डिजीज़ कौन कौन सी कॉज कराता है, डिजीज़ में सबसे पहले इसका यूटीआई कराता है, नंबर वन कॉज ऑफ यूटीआई है ये, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ के कॉज कराता है वो आती है आपकी ग्राम नेगेटिव रॉड सेप्सिस। इसने सेप्सिस करानी है, ठीक है। उसके बाद न्योनेटल मेनिनजाइटिस कराना है, ठीक है, बच्चों में। ये हम देखेंगे कैसे कैसे करा रहे हैं, ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, न्योनेटल मेनिनजाइटिस वगैरह ये सारा कुछ हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे। ट्रेवलर्स डायरिया और ब्लडी डायरिया, ये दोनों जो है ना डायरिया, दोनों टाइप के डायरिया इसमें हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ई कोलाई का कौन सा स्ट्रेन अटैक कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपके एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन आता है और एंटीरो टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन आता है, ये दोनों हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, फैकल्टेटिव एनएरोब है, मतलब कि ये एरोबिक एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं और एनएरोबिक एनवायरनमेंट में भी फैकल्टेटिवली ग्रो कर सकते हैं, मतलब उनके इनके पास चॉइस होती है, दोनों जगह पे ग्रो कर सकते हैं। कोलन और फीसिस वगैरह के अंदर ये ग्रोथ अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके अलावा ये इसके ये कि इसकी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है, फर्मेंट कर सकता है ये लैक्टोज को, दीज आर द लैक्टोज फर्मेंटर्स। उसके अलावा इसके तीन तरह के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ओ, एच एंड के, ठीक है। ओ हम कहते हैं 150 ओ है, एच वाला स्ट्रेन जो होता है उसको हमने याद रखना, 50 एच वाला स्ट्रेन है, और के जो होता है वो 90 के स्ट्रेन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बाद अपनी पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विरुलेंस फैक्टर्स। विरुलेंस फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है, मैंने आपको बताया था ग्राम नेगेटिव कोकाई में भी पढ़ाया था कि उसमें पिल्लाए होते हैं, इसमें भी पिल्लाए होते हैं। पिल्लाए का काम क्या होता है, ये एडहेरेंस में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है हमारे पास वो आता है एंडोटॉक्सिन। मैंने आपको बताया था सारे ग्राम नेगेटिव में, बेशक वो कोकाई हैं, बेशक वो बैसिलाए हैं, उनके अंदर एंडोटॉक्सिन होता है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन आपके पास जो होता है वो फीवर वगैरह कराएगा, DIC कराएगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, ठीक है। और एंडोटॉक्सिन उस वक्त तक रिलीज नहीं होता जब तक बैक्टीरिया मर नहीं जाता, ठीक है। जब बैक्टीरिया मर जाता है ना
तो उसकी सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह उसके अंदर ये एम्बेडेड होता है, ये एंडोटॉक्सिन तब रिलीज होता है और बंदे को सिम्टम्स प्रोड्यूस करवाता है, फीवर वगैरह। उसके बाद तीसरी चीज़, इसके अंदर एंटीरोटॉक्सिन भी होते हैं। मैंने बताया ना GIT को इफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली GIT को इफेक्ट करने के लिए एंटेरिक ट्रैक से रिलेटेड टॉक्सिन होने चाहिए ना, तो ये क्रिएट प्रोड्यूस करता है एंटीरोटॉक्सिन। एंटीरोटॉक्सिन के अंदर तीन एंटीजन का हमने जिक्र पहले कर लिया हुआ है। इसके स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। एक इसका स्ट्रेन होता है जो कि आपका ब्लडी डायरिया कराता है, वो होता है आपका एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन। आपको नाम से पता चल रहा होगा हेमरेजिक मतलब हेमरेज करा देगा, सेल्स को बर्स्ट करा देगा, आपकी बॉडी के सेल्स को बर्स्ट करा देगा और जो डायरिया आएगा उसमें ब्लड आएगा। ये किस टॉक्सिन से रिजेंबल करता है? शिगा टॉक्सिन से रिजेंबल करता है। मैं आपको शिगेला पढ़ाऊंगी ना, शिगेला में आता है शिगा टॉक्सिन, उसमें आपको पता चलेगा कि शिगा टॉक्सिन क्या है। शिगा टॉक्सिन भी ब्लडी डायरिया कराता है, इसलिए हम कहते हैं हिमरॉजिक स्ट्रेन जो है ना इकोलाई को मिलता जुलता होता है किसके साथ? शिगा टॉक्सिन के साथ। उसके बाद दूसरा स्ट्रेन है इसका एंटीरोटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन। एंटीरोटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन जो होता है ना उसने आपके पास वाटरी डायरिया कराना है। उसके भी आगे दो क्लासेज आती हैं। अब इसने CAMP को इनहिबिट करना है या CGMP को इनहिबिट करना है, मतलब इस तरह करके इसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो उस बेसिस पे भी इसको हम डिवाइड करते हैं दो क्लासेस में। एक आता है हीट लेबाइल, जिसको हम हीट करें तो वह मर जाता है, ठीक है। अगर हम खाने को प्रॉपरली कुक करें, अगर किसी खाने में आ गए किसी तरह, तो वो मर जाता है, हीट लेबाइल होता है, ठीक है। एक इसका टॉक्सिन होता है एंटीरो टॉक्सीजेनिक का, उसको हम कहते हैं हीट स्टेबल टॉक्सिन। ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे अभी। जैसे इसके नाम विजिलेंस फैक्टर में याद रख लो कि पिलाए एंडोटॉक्सिन, उसके बाद एंटीरोटॉक्सिन। एंटीरोटॉक्सिन के स्ट्रेन कौन से हैं? एंटीरो हेमरेजिक, एंटीरो टॉक्सीजेनिक। हेमरेजिक किससे मिलता जुलता है? शिगा टॉक्सिन से। टॉक्सीजेनिक के दो स्ट्रेन आ गए, हीट लेबाइल टॉक्सिन है, हीट स्टेबल टॉक्सिन है। जो लेबाइल टॉक्सिन है वो रिजेंबल करता है आपके कॉलेरा टॉक्सिन के साथ। अच्छा, उसके बाद हम आ रहे हैं कि इंटेस्टिनल ट्रैक में इन्फेक्शन ये प्रोड्यूस कैसे कराता है, वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, आप देखना इसने क्या करना है। इसने सबसे पहले, इसके पिलाए जो होते हैं वो एडहेरेंस के लिए होते हैं, उन्होंने क्या करना है, ईलियम, आइलियम और जिजनम इनकी वॉल्स के साथ एडहेयर कर देना है। जब एडहेयर करेंगे ना, एडहेयर करने के बाद इसने अपने ये जो इनके इसके जो थे ना दोनों एंटीरोटॉक्सिन्स, इनमें से किसी को रिलीज करना शुरू कर देना है, ठीक है। और वो टॉक्सिन जो होते हैं वो सेल स्पेसिफिक होते हैं। सेल स्पेसिफिक मतलब सेल्स ऑफ कोलोन के ऊपर ही सिर्फ उनके रिसेप्टर जो है ना क्या कहते हैं, जो स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं, हर सेल के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। उन्होंने कहा है कि सेल्स ऑफ कोलन पे जो है ना एक्ट करते हैं, नॉन ससेप्टेबल होते हैं और उनके ऊपर रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि टॉक्सीजेनिक जो है ना एंटीरोटॉक्सिन उसका बताया हुआ है, एंटीरो हेमरेजिक दोनों का बताया हुआ है। सबसे पहले हम टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन का जिक्र करते हैं। टॉक्सीजेनिक ने क्या करना है, मैंने बताया था टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन के दो आगे फर्दर टॉक्सिन होते हैं। एक होता है जो हीट करने से मर जाता है और एक होता है वो हीट करने से नहीं मरता, ठीक है। सबसे पहले हम हीट लेबाइल टॉक्सिन की बात करेंगे। हीट लेबाइल टॉक्सिन ने क्या करना है, आपके एडिनाइल साइक्लेज को मजीद स्टिमुलेट कर देना है, ठीक है। मजीद स्टिमुलेट करेगा एडिनाइल साइक्लेज को, तो ऑब्वियसली उसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करना है, CAMP का लेवल बढ़ा देना है, ठीक है। CAMP का लेवल बढ़ेगा तो उसने क्या करना है, प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट कर देना है। प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट करेंगे तो वो ऑब्वियसली प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेट होने शुरू हो जाएंगे। आयन ट्रांसपोर्टर जो है ना आपकी मेम्ब्रेन्स के अंदर, वो सारे फॉस्फोराइलेट होना शुरू हो जाएंगे। जिन आयन ट्रांसपोर्टर ने आयन्स को बाहर निकालना है, अंदर करना है ना, वो जब फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, आउटपोरिंग होनी शुरू हो जाएगी फ्लूइड की और आयन्स की, जिसकी वजह से होता है आपका वाटरी डायरिया, ठीक है। ये तो हो गई आपकी हीट लेबाइल टॉक्सिन की कहानी। जो हीट स्टेबल टॉक्सिन है ना वो CAMP को इंक्रीज़ नहीं कराता, बल्कि वो CGMP को इंक्रीज़ कराता है। बस ये बात याद रखनी है इन दोनों के डिफरेंस में। उसके बाद ये कि इन ये जो होते हैं ना हीट टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन, ये इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज कराता, दे डोंट कॉज एनी इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा ये आपके इंटेस्टिन का मिकोजा होता है ना उसको भी इन्वेड नहीं करता, मतलब ये सुपरफिशियल सा काम कर रहे हैं, ये अंदर नहीं घुस रहे, सेल्स को नहीं डैमेज अंदर से जाके कर रहे। इसीलिए इसका जो डायरिया होता है वो वॉटरी नॉन ब्लडी टाइप का डायरिया होता है, ठीक है। ये हमारी बात होगी एंटीरोटॉक्सीजेनिक स्ट्रेन की। दूसरी हम बात करते हैं हमारी एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन की। एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई जो है ना उसको हम, उसकी सीरोटाइप नाम जरूर आपको याद होना चाहिए, MCQ में पूछा जाता है। इसकी सीरोटाइप होती है O157, उसके बाद सेंटर में रेशो का साइन लगाना है और H7, ये इसकी सीरोटाइप है, ठीक है। इसका टॉक्सिन जो होता है ना वो रिजेंबल करता है आपके शिगा टॉक्सिन के साथ। इसने क्या करना है, आपका जो राइबोसोमल RNA होता है ना उसके लार्जर सब यूनिट में से एक एडिनिन रिमूव कर देनी है, ठीक है। अब एडिनिन जब रिमूव हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है वो
स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस, अब क्या होता है कि जब इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो गई, तो ये जो है ना आपका E0157H7 स्ट्रेन, इसने क्या करना है, इसने ब्लडी डायरिया कराना है, इसने सेल्स को बर्स्ट करना शुरू कर देना है, प्रोटीन्स नहीं बन रही, सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लडी डायरिया हो जाएगा। और ये होता किस वजह से है, ये आपके अंदर स्ट्रेन गया कैसे, आपने कोई अनकुक्ड हैमबर्गर खाया है या बर्गर वगैरह, कोई चिकन वाली कोई या गोश्त वाली ऐसी चीज़ खा ली जो अंडर कुक थी, उसकी वजह से आपके अंदर जा सकता है। अच्छा, अब इसकी आगे से ना, अगर ये शीगा टॉक्सिन, ये वाला टॉक्सिन जो एंटीरो हेमरेजिक वाला जो शीगा से रिजेंबल करता है, अगर ये आपका ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए, तो ये हिमोलिटिक सिंड्रोम, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम करा सकता है, ठीक है। ये मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ व्हाट इज हिमोलिजिक हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट टॉक्सिन पे, नेक्स्ट इसकी डिजीज पे, जिसकी हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर शीगा टॉक्सिन एंटर होता है जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तब ये होता है। ये आपका शीगा टॉक्सिन भी करा सकता है और आपका एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन भी करा सकता है, क्योंकि दोनों की जो है ना करेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर वगैरह मतलब मिलता जुलता होता है, प्रॉपर्टीज एक दूसरे की एक जैसी हैं। अब इसने क्या क्या काम कराना है, एक तो इसने हिमोलिटिक अनीमिया करा देना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि RBCs होंगे ना आपके, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे टूटना शुरू होंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराना है, आपके प्लेटलेट्स को बर्स्ट करना शुरू कर देना है, ख़त्म करना शुरू कर देना है। जब वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे तो आगे ऑब्वियसली प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। उसके अलावा इसने क्या करना है, इसने एक्यूट रीनल फेलियर करा देना है, किडनी का फेलियर करा देना है। अब हमने देखना है कि करवाएगा कैसे। अब होता क्या है, आपके जो किडनी की एंडो एपिथीलियम होती है ना, किडनी के एपिथीलियम, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं इन टॉक्सिन के लिए। ये जो शीगा टॉक्सिन और ये जो हिमोलिटिक सिंड्रोम वाला टॉक्सिन है ना, इसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो आपके किडनी की एंड एपिथीलियम पे होते हैं। अब किडनी के एपिथीलियम पे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आके आपके शीगा टॉक्सिन वगैरह बाइंड करेंगे। और उसके अलावा इसने और क्या क्या कराना होता है, उस तरह किडनी को डैमेज करेगा। उसके अलावा आपकी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जो सेल्स स्मॉल ब्लड वेसल्स के सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, उनके अंदर भी ये जो है ना, उनकी भी डेथ करा देती है। देखो सेल्स होते हैं ना आपकी वेसल्स के सेल्स की जब डेथ हो जाएगी ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन जगहों पे जो RBCs उन डैमेज एरिया में से पास करेंगे, वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो वेसल्स के जो एंडोथीलियम के सेल्स थे वो ख़राब हो गए ना, वो बिल्कुल बस्ट हो गए, उनके पर उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया है। उसकी वजह से क्या होगा, RBC जब वहाँ से पास करेंगे ना डिस्टॉर्टेड या डैमेज एरिया से, तो वो खुद भी डिस्टॉर्ट हो जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका हीमोलिटिक एनीमिया होगा, ठीक है। और इसी डैमेज एंडोथीलियम के ऊपर जब आके प्लेटलेट एडहेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर तो प्लेटलेट की कमी हो गई ना, तो उसकी वजह से होगा आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। ये आपके तीनों फीचर्स हो गए, किडनी एपिथीलियम के ऊपर इसके होते हैं रिसेप्टर्स, शीगा टॉक्सिन आएगा उन सेल्स को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से किडनी एपिथीलियम डैमेज हो जाएगी और रीनल फेलियर हो सकता है इसकी वजह से। और जब एंडोथीलियम के सेल्स डैमेज किए आपकी स्मॉल वेसल्स के, तो वहाँ से जब RBCs पास किए, RBCs डिस्टॉर्ट हो गए, डिस्टॉर्ट होने के बाद क्या हुआ कि वो लाइस कर गए, जिसकी वजह से आपका हिमोलिटिक एनीमिया हुआ। और जब जो लाइस किस्म की आपकी एंडोथीलियम थी, उसके ऊपर थ्रोम्बो ये प्लेटलेट्स आए वहाँ पे फॉरन उस डैमेज एंडोथीलियम के ऊपर अपने अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्लेटलेट का होता है ना कि वो जहाँ पे डैमेज हो फॉरन वहाँ पे पहुँचते हैं, तो जब वो वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो ये कहानी होगी हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम की। उसके बाद हमने बात करनी है इसका दूसरा जो मेन इसकी डिजीज़ है, वो UTI है। UTI में इसने कैसे करनी है, इसके ना इसका जो UTI के लिए स्ट्रेन होता है वो ओ वाला स्ट्रेन होता है, ठीक है। उसने क्या करना है, सबसे पहले तो उसके पास पिलाए हैं, जिसकी वजह से इसने एडहेयन करनी है, एडहेयन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इसने बाइंड कर जाना यूरिनरी ट्रैक के एपिथीलियम के साथ, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग होगी ना, उसके अंदर ग्लैक्टोज डाइमर की बॉन्डिंग होगी, और उसके साथ जब बाइंड करेगा तब इसने UTI कराना है। और अगर हमने इसको प्रिवेंट करना है तो हम फ्लेविनॉइड दे सकते हैं। फ्लेविनॉइड आपके ना कैनबेरी जूस में होता है, वो क्या करता है इन पिलाए के साथ बाइंड कर देता है और इसको यूरिनरी ट्रैक्ट एपिथीलियम के साथ बाइंड ही नहीं करने देता, जिसकी वजह से ये प्रिवेंशन में हेल्पफुल हो सकता है। क्या चीज़, फ्लेविनॉइड्स, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट आना है
अपना सिस्टेमिक इन्फेक्शन के ऊपर। इसने सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी कराने हैं, वो कैसे? इसके पास कैप्सूल है, इसके पास एक्सोटॉक्सिन है, उन्होंने क्या करना है, कैप्सूल की वजह से इसको फेगोसाइटोस करने में बहुत मसला होगा, इसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगी आपकी फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इनहिबिट हो गई, उसके बाद इसमें एंडोटॉक्सिन भी है सेल वॉल के अंदर, तो एंडोटॉक्सिन की वजह से क्या होगा, फीवर होगी, हाइपोटेंशन होगी और डीआईसी हो जाएगी। तीन चीज़ें ये हो गई, ठीक है। उसके अलावा इसकी कैप्सुलर टाइप्स के आई जो होती है ना, उसने कराना है मेनिनजाइटिस करा देना है, ठीक है। अब ये सारी डिजीज़ इसकी वजह से हो रही हैं। और एक और बात लिखी है, पेशेंट विद एचआईवी जिसको हुआ हुआ है ना, उसके अंदर क्या होता है, थी हेल्पर टी सेल 17 वालों की डेफिशिएंसी होती है। अब वो बंदे, उनको सेप्सिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्री डिस्पोज टू सेप्सिस वो लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये इकोलाई की वजह से भी होता है और क्लेब्सियला की वजह से होता है। क्लेब्सियला इज ऑल्सो योर ग्राम नेगेटिव रॉड, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक इस पेज की कहानी भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं अपने थर्ड वाले के ऊपर, जो हमारा है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स और इसकी लैब डायग्नोसिस, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्या क्या होना है। अब इसमें देखना, क्लिनिकल फाइंडिंग में हमें इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर क्या क्या मिलेगा और आउटसाइड द इंटेस्टिनल ट्रैक क्या क्या मिलेगा, दोनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि विद इन द इंटेस्टिनल ट्रैक क्या होगा। विद इन इंटेस्टिनल ट्रैक मैंने आपको बताया वही दोनों स्ट्रेन है, ईटेक और ईहेक। इंटीरियर टॉक्सिजेनिक ने क्या कराना था, क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा वो बंदा, उसको वाटरी सेल्फ लिमिटेड किस्म का डायरिया होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रैवलर्स डायरिया, और उसका ड्यूरेशन होगा शॉर्ट ड्यूरेशन का डायरिया होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने नेक्स्ट देखना है इसका दूसरा स्ट्रेन कौन सा है, एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन ने क्या करना है, उसने डिसेंट्री लाइक कंडीशन करानी, जिसको हम कहते हैं ब्लडी डायरिया, क्योंकि इसने सेल्स को बर्स्ट करना शुरू कर देना है। सेल्स बर्स्ट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अब नॉर्मल किस्म की क्रैम्पिंग हो रही होगी उस बंदे को। और इसका कौन सा स्ट्रेन इन्वॉल्व होता है, O157H7 स्ट्रेन होता है, और यही ब्लडी डायरिया कराता है इन हिमोलिटिक यूरिनेमिक सिंड्रोम में भी। हिमोलिटिक यूरिनेमिक सिंड्रोम में हमने कौन कौन से सिम्टम्स पढ़ी थी, उसमें किडनी फेलियर होता है, हिमोलिटिक अनीमिया होता है, उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। उसके अलावा ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, 9-10 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरोक्विनालोन्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स या फार्मा में पढ़ोगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो एंटीरो हेमरेजिक की वजह से होता है ना, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में तो हम बच्चों को देंगे ना फ्लोरोक्विनालोल और एंटीबायोटिक्स वगैरह, लेकिन जो नॉर्मली किसी बंदे को एंटीरो हेमरेजिक स्ट्रेन की वजह से ब्लडी डायरिया हो रहा है, उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, हमारा आउटसाइड द इंटेस्टिनल ट्रैक। आउटसाइड इंटेस्टिनल ट्रैक में हम क्या देखेंगे कि उसने आउटसाइड इंटेस्टिनल ट्रैक में उसने क्या कराना है, यूटीआई कराने हैं। यूटीआई में क्या होना है कि प्राइमरीली इन वुमेंस के अंदर होना है। वुमेंस में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन असेंड करके ऊपर जा सकता है ब्लैडर की तरफ भी, और वेजाइना की तरफ भी जा सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। उसके अलावा इसने नोजोकोमियल भी यूटीआई करा सकता है। उसमें क्या होता है कि जो इंडवेलिंग कैथेटर्स जब डालते हैं ना, यूरिनरी कैथेटर, कोई ऑपरेशन करना उससे पहले कैथेटर डालते हैं, कैथेटर के जरिए भी एंटर हो सकता है, और वहाँ से सेंड करता हुआ ब्लैडर में जा सकता है, ब्लैडर से सेंड करता आपकी वो जो यूरेटर है वहाँ से होता किडनी में भी जा सकता है, किडनी की इन्फ्लेमेशन भी करा सकता है, पायलोनेफ्राइटिस करा सकता है, सिस्टाइटिस कराता है, पेनफुल यूरिनेशन होती है उस बंदे को, ठीक है, इस तरह की सिम्टम्स प्रोड्यूस कराता है। और इसके अलावा सेप्सिस और मेनिनजाइटिस भी करा सकता है अगर बच्चा उस इन्फेक्टेड वजाइनल केनाल में से गुजर रहा है, वजाइना में से पास होकर आ रहा है, तो उस बच्चे की मेनिनजाइटिस हो सकता है, इकोलाई की वजह से, और सेप्सिस हो सकता है। उसके अलावा हम इसकी लैब डायग्नोसिस अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में देखना, सबसे पहले हमने स्पेसिमन कलेक्शन देखनी है, स्पेसिमन हमने कौन सा कलेक्ट करना है, देन माइक्रोस्कोपी देखनी है, उसके बाद हमने इसके माइक्रोस्कोपी के बाद हमने कल्चर देखना है। कल्चर में हमने कौन कौन से कल्चर डिस्कस करने हैं, ब्लड अगर में कौन की अगर क्लैड, वो सब कुछ डिस्कस करना है, उसके बायोकेमिकल टेस्ट। अच्छा एक बात बता दूँ, इन सब की क्लिनिकल डायग्नोसिस इंतहा की इंपॉर्टेंट है, और जो है ना इसको याद करने के लिए आपको टेस्ट पता होना चाहिए, टेस्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे वो परफॉर्म करते हैं, वो प्रैक्टिकल नोटबुक्स वगैरह में पढ़ोगे। अच्छा सबसे पहले हमने स्पेसिमन कौन कौन से लेना है, इसमें यूरिन सैंपल भी ले सकते हैं ऑब्वियसली, और क्योंकि सिस्टाइटिस वगैरह उससे हो सकता है, ब्लैडर यूरिनरी कैथेटर के जरिए भी जा सकता है, उसके अलावा पस सैंपल भी ले सकते हैं, फीसिस ले सकते हैं, सीएसएफ ब्लड, बाउंड स्वैब, तो बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं। उसके बाद हमने इसकी माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी करनी है, उसमें देखना हमने ये है कि ये माइक्रोस्कोपी के लिए आपको क्या नजर आता है। माइक्रोस्कोपी के लिए जब हम इसको देखेंगे, ग्राम स्टेनिंग, सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग में हमें पता है ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो इकोलाई ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है और मोटाइल किस्म के रॉड हैं, ठीक है।
ये इसकी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है, मोटिलिटी टेस्ट इसका पॉजिटिव होता है, ये मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद कल्चर करेक्टरिस्टिक हमने देखनी है। कल्चर करेक्टरिस्टिक में क्या देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक भी है और फैकल्टेटिव एनएरोब भी है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको ब्लड डैगर पर ग्रो किया, ठीक है, ब्लड डैगर पर जब हमने इसको ग्रो किया ना, तो हमें क्या नज़र आता है ब्लड डैगर के ऊपर, इसकी ग्रीनिश वाइट कलर की कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, और उनके जो होते हैं ना वो उनका डायमीटर 1 to 4 millimeter डायमीटर होता है कॉलोनीज का, ठीक है, और ड्राई किस्म की होती है। उसके बाद इसकी जब इसको मकॉन की अगर मैंने ग्रो कराया, मकॉन की अगर मैं वही सिर्फ ग्रो करेगा जिस जो लैक्टोज फार्मेंट करता होगा या फिर लैक्टोज फार्मेंटर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये लैक्टोज फार्मेंटर है, मकॉन की अगर पे ग्रो कर जाएंगे और पिंक कलर की स्मूथ किस्म की कॉलोनीज बनाएंगे, ठीक है, देखो पिंक कॉलोनीज बनाएंगे। उसके बाद जब क्लैड पे हम इसको ग्रो करेंगे, क्लैड में इसकी येलो कॉलोनीज बनेगी, ठीक है, ये बातें याद रखनी है आपने सारी। उसके बाद हमने इसके बायोकेमिकल टेस्ट करने हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में हमने क्या देखना है, सबसे पहले इसका TSI करना है। TSI में क्या होता है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट इसको हम कहते हैं। इसमें हम ना क्या कहते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में एक स्लैंट होती है, एक बट होता है, नीचे वाला बट होता है, ऊपर वाली स्लैंट होती है। अच्छा, अब ये जो नीचे बट है ना, बट के अंदर हमारे पास 3 शुगर्स होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी शुगर होती हैं, एक हमारे पास ग्लूकोज होती है, ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज होती है, ठीक है, उसके अलावा लैक्टोज होती है, ठीक है, ये इनकी रेशो ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा होती है, बाकी दोनों की कम होती है, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास होते हैं ना लैक्टोज फार्मेंटर, वो आपके क्लैड के अंदर भी कलर दे देते हैं और कलर चेंज कर देते हैं आपके TSI का, और आपके स्लैंट में भी चेंज कर देते हैं। जो नहीं होते, कुछ सिर्फ ग्लूकोज के फर्मेंटर होते हैं, लैक्टोज के फर्मेंटर नहीं होते, वो सिर्फ आपके बट का कलर चेंज करेंगे, येलो कर देंगे इसे, और जो है ना आपके स्लैंट का कलर नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसको TSI टेस्ट, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं देंगे, ना ग्लूकोज के फर्मेंटर होंगे ना लैक्टोज के, वो उनके अंदर ये सारा कुछ सेम रहेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से लैक्टोज फर्मेंटर हैं, कौन से ग्लूकोज फर्मेंटर हैं और कौन से आपके बिल्कुल फर्मेंटर नहीं है। अच्छा, ये जो आपके जो होते हैं ना, ये आपकी ई कोलाई आपके प्योर लैक्टोज फर्मेंटर है, इसलिए इन्होंने एसिड और स्लांट, ये जो स्लांट और बट दोनों का कलर चेंज कर देना है, और इसके अलावा इसने क्या कहते हैं, गैस प्रोडक्शन नहीं करनी, नहीं गैस प्रोडक्शन नहीं होती, और इसके मैं आपको बताऊं, एक मिनट, अच्छा इसके अंदर H2S भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड उस कंडीशन में प्रोड्यूस होगी, एक तो आपके साल्मोनेला में प्रोड्यूस होगी और एक प्रोटीज में प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो आपका बट होता है ना वो काला हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखना है कि इसने जो है TSI टेस्ट में पॉजिटिव दे दी, क्योंकि फर्मेंट कर रहा है, लैक्टोज को भी फर्मेंट कर रहा है, ठीक है, देखो लैक्टोज फर्मेंटर भी है, सक्रोज को भी कर रहा है, मैनिटोल को भी करता है, ग्लूकोज को भी करता है, इसलिए ये TSI ईकोलाई के केस में स्लांट और बट दोनों में कलर देगा, ठीक है। उसके बाद एक इंडोल टेस्ट होता है, इंडोल टेस्ट भी इसने पॉजिटिव देना है, ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल कॉपी में टेस्ट पढ़ोगे। मोटिलिटी टेस्ट, ऑब्वियसली ये मोटाइल है तो मोटिलिटी टेस्ट भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद सिट्रेट आयरन टेस्ट होता है, सिट्रेट टेस्ट, वो भी इसने, वो इसका नेगेटिव होगा, ठीक है, सिट्रेट टेस्ट नेगेटिव होगा, यूरियस टेस्ट नेगेटिव होगा। उसके अलावा इंडोल पॉजिटिव है, मोटिलिटी पॉजिटिव है, ये LDC छोड़ दो, ठीक है, ये आपके टेस्ट की डिटेल्स होगी कि इसने क्या क्या चीज़ पॉजिटिव देनी, क्या क्या चीज़ नेगेटिव, बाकी इसकी जो है वो आप ट्रीटमेंट की डिटेल्स वो आप पढ़ेंगे अपनी फार्मा में। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।